बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, हम लोग बिल्डिंग एंड ई कॉमर्स प्रेजेंस स्टडी कर रहे थे, उसकी बात कर रहे थे। नेक्स्ट हमने ऑडियंस की बात की, हमने हु एंड वेयर। नेक्स्ट हमारी बात चल रही है, व्हाट इज़ बॉल पार्क कैरेक्टराइज द मार्केट प्लेस। बॉल पार्क बेसिकली बेसबॉल के ग्राउंड को कहते हैं कि बेसिकली वो आपकी क्या है, वो आपका एरिया है, उसको आपने टारगेट करना है। देखो, बेसबॉल में क्या होता है, आपने एक हिट करनी है, होम रन हो गया जी, यानी आपने वो बॉल पर क्रॉस करना है। अब देखो, जितने मर्जी अच्छे आप एंटरप्रेन्योर ब्रिलियंस ले लो, जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी बेशक स्किल्स हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन हो, लेकिन अगर आपने मार्केट गलत चूज़ कर ली है तो देर आर मोर चांसेस ऑफ ए फेलियर। देखो, एंटर इन टू अ डिक्लाइनिंग मार्केट फील्ड विद स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन, यू विल मल्टीप्लाई योर चांसेस ऑफ फेलियर। ट्राई टू एंटर इन टू अ मार्केट डैट इज अमर्जिंग, ग्रोइंग एंड हैज फ्यू कम्पेटिटर्स एंड यू स्टैंड अ बेटर चांस। देखो, अक्सर लोग अमेजोन की बात करते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। देखो, मार्केट प्लेस सेम है, प्रोडक्ट हंटिंग का मकसद क्या होता है, वो प्रोडक्ट ढूंढना है जिसमें कंपटीशन कम हो। अब अमेजोन की मार्केट अब जैसा पाकिस्तान में नहीं है, अगर पाकिस्तान में आती है तो एकदम एक जो भी स्टार्टअप लेगा इसका बड़ा अच्छा अर्निंग करेगा ऑन द लॉन्ग रन। तो जो लोग चीज़ें सीख चुके हैं, वर्किंग आ चुके हैं, वो पाकिस्तान में अगर आती है तो उन फ्यूचर उनके लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है, काम कर सकते हैं वो। देखो, एंटर अ मार्केट वेयर देर इज़ नो प्लेयर, यू विल आइदर बी रिवॉर्डेड हैंडसमली विद अ प्रॉफिटेबल मोनोपोली ऑन अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट। नो वन एल्स थॉट ऑफ एप्पल, यू विल बी क्विकली फॉरगॉटन बिकॉज देयर इज़ नॉट अ मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट एट द टाइम एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है, अब एप्पल का आप सोच भी नहीं सकते उसके कंपटीशन में आने का, क्योंकि अब उसके कंपटीशन में आने के लिए यू हैव टू मच कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, आईडिया इन्वेस्टमेंट भी कर लो, सारे भी कर, लेकिन उसको कम्पीट करना मुश्किल है। देखो, फीचर्स ऑफ द मार्केट प्लेस इज टू फोकस ऑन इंक्लूड द डेमोग्राफिक्स ऑफ द मार्केट, हाउ एन ई कॉमर्स प्रेजेंस फिट्स इन टू मार्केट। इन एडिशन, यू विल वॉन्ट टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, कंपेटिटर्स एंड सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। अब देखो, अब ये चीज़ें आप लोग पहले भी मन देख चुके होंगे, स्टडी कर चुके होंगे एज बिजनेस ग्रेजुएट या कॉमर्स ग्रेजुएट, कि देखो हमने एक चीज़ होती है प्रोडक्ट होती है, उसकी सब्सटीट्यूशन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात, आपको प्यास लगी है, आप पानी भी पी सकते हो, आप पेप्सी भी पी सकते हो, आप जूस भी पी सकते हो, फ्रेश जूस भी ले सकते हो, देर आर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल। तो कोशिश करो वो प्रोडक्ट चूज़ करो जिसका कंपटीशन भी कम हो, उसके सब्स्टिट्यूशन ना हो। अब फॉर एग्जांपल देखो, मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स में आपके पास सिंपल सी बात है, टू मच कंपटीशन हो गया, मार्केट में सस्ती चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं, पहले बहुत एक्सपेंसिव थे, अफोर्डेबल नहीं थे, अब स्मार्टफोन कह लो कि कंपनीज इतनी आ गई कि सस्ते हो गए हैं, और आपके पास आए दिन नए मॉडल आ रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, सब्स्टिट्यूट्स आपको मिल रहे हैं। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, उनकी सेल काफ़ी हद तक कम हो गई भी है, क्योंकि उनके सब्स्टिट्यूट्स में क्या मिल गए, आपको लैपटॉप्स मिल गए हैं। अब लैपटॉप की जगह आ गए आईपैड्स आ गए हुए हैं, जो लोग मोस्टली वो यूज़ कर रहे हैं। अब नो डाउट आई लैपटॉप पे टाइपिंग कंफर्ट जोन ज़्यादा है, काम मशीन फास्टर है, मल्टीपल टास्किंग ज़्यादा हो सकती है, जो कि आईपैड पे नहीं है अभी, लेकिन आगे इन फ्यूचर चीज़ें शायद आ जाएं जिसको भी करें। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मार्केट प्लेस यू आर अबाउट टू एंटर? इज़ द मार्केट प्लेस ग्रोइंग और रिसीडिंग इन साइज? इफ इट्स ग्रोइंग, अमंग विच एज एंड इनकम ग्रुप्स? इज़ द मार्केट प्लेस शिफ्टिंग फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन डिलीवरी? इफ सो, द मार्केट मूविंग टू अ ट्रेडिशनल वेबसाइट, मोबाइल और टैबलेट्स? इज़ देयर अ स्पेशल रोल ऑफ द मोबाइल प्रेजेंस इन द मार्केट? अब ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस हैं। देखो, व्हाट इज़ द बज़ ऑन प्रोडक्ट, लाइक यू आर यू पोटेंशियल कस्टमर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस यू वांट टू ऑफर ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ब्लॉग्स? हाउ मैनी ब्लॉग्स फोकस ऑन प्रोडक्ट्स लाइक योर्स? अब ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, आपके वो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको ढूंढने पड़ेंगे, उन पर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ योर डायरेक्ट कंपेटिटर, सप्लायर एंड सब्स्टिट्यूट।
अब देखो तीन चीज़ों पे फोकस करना है, आपका डायरेक्ट कंपटीशन कौन सा है, सप्लायर कौन से हैं, सब्सिट्यूट कौन से हैं। अब देखो इन तीनों को मैं आपको थोड़ा चीज़ों को कैटेगराइज करता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट कंपटीशन, जैसे ओप्पो का चल रहा है सैमसंग के साथ, चल रहा डायरेक्ट कंपटीशन हो गया। सप्लायर्स यानी इसके आपके जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सप्लायर का, देखो अगर जितने कम सप्लायर होंगे उतनी आपके लिए प्रॉब्लम है, जितने ज़्यादा सप्लायर होंगे उतनी आपके लिए आसानी है। साथ ही साथ देखो कम सप्लायर में ये होगा कि शायद कंपटीशन कम होगा इन फ्यूचर, ज़्यादा सप्लायर में कंपटीशन बढ़ भी सकता है ड्यू टू फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अभी मार्केटिंग वालों को पता होगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है। सब्सिट्यूट प्रोडक्ट जितने ज़्यादा होंगे सब्सिट्यूट उतना मार्केट में सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल है, जितने कम होंगे उतने इजीली आप लोग सर्वाइव कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो हम देखते हैं बेसिकली जब हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं या अपना रोल प्ले कर रहे हैं। क्लियर हुई है बात? बाकी आप देख लेना एग्जाम्पल्स ही हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल व्हाट द मार्केट बज ऑन योर कंपेटिटर्स, हाउ मैनी यूनिक मंथली विजिटर्स डू दे हैव, हाउ मैनी फेसबुक लाइक ट्विटर फॉलोअर्स पिन इंटरेस्ट फॉलोअर्स, हाउ आर यूर कंपेटिटर्स यूजिंग सोशल साइट्स एंड मोबाइल डिवाइस एज अ पार्ट ऑफ देयर ऑनलाइन प्रेजेंस, इज देयर समथिंग स्पेशल यू कुड डू विद सोशल नेटवर्क्स दैट योर कंपेटिटर्स डू नॉट। तो ये चीज़ें जो आपको आंसर करनी पड़ती हैं। देखो सब्सटीट्यूट्स फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, फॉर इंस्टेंस योर साइट्स में ऑफर एडवाइस टू द कम्युनिटी पेट ओनर्स, बट लोकल पेट स्टोर्स और लोकल ग्रुप्स में बी अ मोर ट्रस्टेड सोर्स ऑफ एडवाइस ऑन पेट्स। पाकिस्तान की बात करो ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा लोगों को कम है अभी भी, लेकिन आस्ता आस्ता बिल्ड हो रहा है। ट्रस्ट लेवल कम होने की वजह हमारे अपने ही लोग हैं, तो जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होगा, माइंडसेट चेंज होगा, तो लोग ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब देखो वेयर इज द कॉन्टेंट कमिंग फ्रॉम। देखो वेबसाइट्स आर लाइक बुक्स, हमें क्या होता है अभी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम बुक्स की तरफ नहीं जाते हैं, हम गूगल करते हैं। अब कुछ बच्चों को बड़ा अच्छा आइडिया होगा, कीवर्ड्स होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। अब कीवर्ड्स बेसिकली क्या होता है कि देखो आपने गूगल पे सर्च करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप ढूंढते हो कि बेस्ट कार फॉर सेल या टोटा कार फॉर सेल, ये डिफरेंट कीवर्ड्स है। जितने ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होता है आपको ढूंढना पड़ता है कौन सा कीवर्ड ज़्यादा अच्छा है, आप उस बेस पे करते हो। तो हमें देखना कंटेंट कहाँ से आ रहा है। देखो वेबसाइट्स आर लगभग दे आर कंपोज ऑफ लॉट ऑफ पेजेस डैट हैव कंटेंट रेंजिंग फ्रॉम टेक्स्ट टू ग्राफिक्स, फोटोज, इन्फोग्राफिक्स भी आती हैं, वीडियोज़ भी आती हैं। दिस कॉन्टेंट इज़ वर्ड सर्च इंजन कैटलॉग एज ए क्रॉल थ्रू ऑल न्यू एंड चेंज वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। द कॉन्टेंट इज़ वाई योर कस्टमर विजिट योर साइट एंड आइदर परचेज थिंग्स और लुक एट एड्स दैट जनरेट रेवेन्यू फॉर यू। देयर फॉर द कॉन्टेंट इज़ अ सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर योर रेवेन्यू एंड अल्टीमेट सक्सेस। कॉन्टेंट नो डाउट इम्पॉर्टेंट है। देखो कोई भी कंपनी की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसकी वेबसाइट पर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जाते हो, आपने लेट्स वो सर्च करना है कि यार जो नया मोबाइल आ रहा है सैमसंग का उसके फीचर्स क्या है। आप लोग देखोगे, सर्च करो गूगल पे, आई हैव नो आइडिया कि नया मॉडल कौन सा, लेट्स वो A51 है, उस पर क्या आ रहे हैं फीचर्स। आप देखो सर्च करोगे ना सैमसंग की वेबसाइट कभी भी ऊपर नज़र नहीं आएगी आपको, वट मोबाइल आ जाएगा, दो चार और इस तरह की कंपनीज हैं वो आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे वेबसाइट्स हैं। मकसद क्या, उन्होंने अपने वेबसाइट पे इतना कंटेंट डाला हुआ कि गूगल उनको फर्स्ट पेज पे शो करता है या पहले दूसरे तीसरे नंबर पे शो करता है। अब वो अर्निंग कर रहे हैं, वो लोग जाते हैं। देखो अमूमन हमारी आदत क्या है, पहले दो तीन पेज ही गूगल के सर्च करते हैं, उसके आगे हमसे जाते हैं सेकंड पेज पे तो ना होने वाली बात है, मैक्सिमम होता है पहले पेज को ही हमने स्क्रॉल कर लिया। तो कई दफ़ा कई वेबसाइट्स पे बहुत अच्छा कंटेंट होता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है
कि उस कंटेंट को की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं की हुई कि लोगों तक वो चीज़ पहुंच नहीं रही। देखो देर आर जनरली टू काइंड ऑफ कॉन्टेंट, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक कॉन्टेंट इज टेक्स्ट इमेजेस दैट डू नॉट फ्रिक्वेंटली चेंज, सच एज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फोटोज और टेक्स्ट दैट यू क्रिएट टू शेयर। स्टैटिक रुका हुआ, चेंज नहीं होना, वो कॉन्टेंट भी होता है वेबसाइट्स पे। और डायनामिक कॉन्टेंट इज कॉन्टेंट दैट चेंजेस रेगुलरली, से डेली और ऑनली बेसिस पे होता है। डायनामिक कॉन्टेंट इज कैन बी क्रिएटेड बाई यू और इंक्रीजिंगली बाई ब्लॉगर्स और फैन ऑफ योर वेबसाइट एंड प्रोडक्ट्स। User generated content has a number of advantages. Free, it's engaged your customer, fan base and search engine are more likely to catalog your sites if the content is changing. देखो जैसे रिव्यूज आते हैं हमारे पास, ब्लॉग्स आते हैं, डिफरेंट लोग लिखते हैं, वो क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ती है। तो जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट आपकी वेबसाइट की, आपके ई कॉमर्स पॉइंट की बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके बिजनेस के लिए। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, हमें देखना पड़ता है हमारा कंपेटिटर का कंटेंट कहाँ से आ रहा है, क्या क्या वो क्या क्या फोकस कर रहा है, और हमने उससे हट के थोड़ी अच्छी चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को फोकस करना है। स्टैटिक कंटेंट को भी फोकस करना है और डायनामिक को भी फोकस करना है। नेक्स्ट हमारे पास होता है नो योर सेल्फ, जानो अपने आप को। ये अमूमन मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि अपने ना स्वॉट एनालिसिस किया करो, कह लो कि एवरी 3 मंथ्स, उससे एटलीस्ट 6 मंथ के बाद तो लाजमी करो कि आप में क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, क्या चीज़ें ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हो, थ्रेट्स क्या हैं, और कोशिश किया करो अपनी वीकनेसेस और थ्रेट्स को ख़त्म करो। अब देखो स्वॉट एनालिसिस क्या है, मैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा। अब बेसिकली इसकी एक सिंपल एक एग्जांपल है, थोड़ा मैं जूम करने कोशिश करता हूँ, सॉरी। अब देखो स्ट्रेंथ क्या है, करंट साइट डू नॉट एड्रेस मार्केट नीड्स, यानी जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो मार्केट नीड्स एड्रेस नहीं कर रही। यूनिक अप्रोच है, इजी नेविगेशन हो, बेटर प्रेजेंटेशन हो, कस्टमर बेस ग्रोइंग हो, हाई वैल्यू मार्केट सेगमेंटेशन है, सुपीरियर सोशल एनर्जी है। अब देखो इन स्ट्रेंथ की बेस पे अपने थ्रेट्स को आप ओवरकम कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ के बेस पे वीकनेसेस को ओवर कर सकते हो। देखो अपॉर्चुनिटी की एबिलिटी टू एड्रेस लार्ज मार्केट विद अनमेट नीड्स, पोटेंशियल टू कैप्चर सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द दिस मार्केट, पोटेंशियल टू डेवलप रिलेटेड साइट। वीकनेस आपकी क्या आ जाती है, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, नो प्रायर ऑनलाइन एक्सपीरियंस है, नो एग्जिस्टिंग यूजर बेस है, नो मीडिया अटेंशन है, नो वेब डिज़ाइन एक्सपर्टीज है, नो कंप्यूटर बैकग्राउंड है। फिर अप्रोच कुड बी कॉपीड बाई कंपेटिटर, एडवर्टाइजर में नॉट वॉन्ट टू ट्राई न्यू साइट, रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिवेलपमेंट, रो मार्केट एंट्री कॉस्ट। एज अ न्यू बिल्डर, मतलब आप नई वेबसाइट बनाते हो, तो ये चीज़ें जो बेसिकली आपको देखनी पड़ती हैं अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए। अब देखो आगे क्या आता है जी, डिवेलप एन ई कॉमर्स प्रेजेंस मैप, यानी आपने क्या करना है, एक मैप बनाना है। मैप क्या होता है, आपको गाइड करता है, नेविगेट करता है। देखो ई कॉमर्स हैज़ मूव फ्रॉम बीइंग अ पीसी सेंट्रिक एक्टिविटी ऑन द वेब टू अ मोबाइल एंड टैबलेट बेस्ड एक्टिविटी एज वेल, यानी अब पर्सनल कंप्यूटर से चीज़ें उठ के मोबाइल पर चलेगी, मोबाइल से उठ के टैबलेट पर चलेगी हैं। वाइल अराउंड 70% ऑफ ई कॉमर्स रिटेल एंड ट्रेवल रेवेन्यूज आर स्टिल जनरेटेड बाई परचेज मेड फ्रॉम अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, इंक्रीजिंग स्मार्टफोन टैबलेट्स आर बींग यूज फॉर परचेजिंग, स्टिल 70% ज़्यादा उस पर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे हैं। इशू क्या है, बेसिकली लोगों का शिफ्ट होना, या एप्लीकेशंस नहीं बनाई कंपनीज ने, या लोगों का भी ट्रस्ट लेवल बिल्ड नहीं हुआ कि वो मोबाइल पे जाके परचेजिंग करें।
देखो स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स आर आल्सो यूज बाय मेजोरिटी ऑफ इंटरनेट यूजर इन द यूनाइटेड स्टेट टू शॉप फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सप्लोर परचेज ऑप्शन लुकअप प्राइसेस एंड एक्सेस सोशल साइट्स योर पोटेंशियल कस्टमर यूज दीज वेरियस डिवाइसेस एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द डे एंड इन्वॉल्व देमसेल्फ इन डिफरेंट कन्वर्जेशन डिपेंडिंग ऑन वट दे आर डूइंग Touching base with friends, viewing photos on Instagram, tweeting or reading a blog. Each of these touch points where you can meet customer and you have to think about how you develop a presence in different virtual places. देखो हाल ही हमारा काम वेबसाइट बनाने से अच्छी वेबसाइट बना गई इंटरफेस अच्छा है ठीक है ख़त्म नहीं होता हमें सोशल मीडिया पर प्रेजेंस है इंस्टाग्राम है ट्विटर है आपके पास लिंकडिन है फेसबुक है व्हाट्सएप है हर जगह पे अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़नी कस्टमर के साथ एंगेज करना है अपनी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। अब देखो टाइप्स ऑफ प्रेजेंस आपके पास क्या है वेबसाइट है एप्लीकेशन है ट्रेडिशनल भी हो सकती है जो डेस्कटॉप पे होती है मोबाइल पे भी और टैबलेट पे भी उसकी विजिबिलिटी हो एक्टिविटी है सर्च डिस्प्ले एफिलिएट्स स्पॉन्सरशिप ये उस पर एक्टिविटीज़ आपकी हो सकती हैं सोशल मीडिया आपके पास क्या है फेसबुक ट्विटर ब्लॉग्स पिन इंटरेस्ट है इंस्टाग्राम है कन्वर्जेशन एंगेजमेंट शेयरिंग एडवाइस ये सारा काम सोशल मीडिया पे होता है ईमेल पे इंटरनल लिस्ट और परचेज लिस्ट न्यूज़लेटर अपडेट्स सेल्स यानी आपके इंटरनल जो लिस्ट आपके पास अवेलेबल है प्लस जो लोग परचेजेस कर रहे हैं वो उनको आप नई अपडेट्स ईमेल्स वगैरह कर सकते हो ऑफलाइन मीडिया में आपके पास प्रिंट मीडिया है न्यूज़पेपर वगैरह बिलबोर्ड्स आ जाते हैं टीवी रेडियो आ जाते हैं एजुकेशन एक्सपोजर ब्रांडिंग अब ये ट्रेडिशनल है आपका इस पर भी अभी चल रहे हैं लोग ये नहीं कि नहीं चल रहे लेकिन एक टाइम आएगा कि इसका यूजर्स कम होता जाएगा आप लोग खुद देखो आप लोग कितना टीवी देखते हो इवन आप कोई ड्रामा देख रहे हो कोई एडवर्टीजमेंट आया शायद आप उसको स्किप ही कर जाओ देखो ही ना तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि हमने अपनी प्रेजेंस कहाँ कहाँ शो की हुई है वेयर वी आर एक्टिव ताकि हम कहाँ कहाँ से कस्टमर को गेट कर सकते हैं या उन्हें ले सकते हैं देखो ऊपर फिगर में क्या था फोर टाइप काइंड ऑफ ई कॉमर्स प्रेजेंस है वेबसाइट एप्लीकेशन है ईमेल है सोशल मीडिया है ऑफलाइन मीडिया है फॉर ईच ऑफ दीज टाइप देर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यू विल नीड टू एड्रेस फॉर इंस्टेंट इन केस ऑफ वेबसाइट There are three different platforms, traditional desktop, tablets and smartphones, each with different capabilities. And for each type of e-commerce presence, there are related activities you need to consider. ठीक है एक्टिविटीज़ के आपके पास सर्च इंजन मार्केटिंग है डिस्प्ले एड एफिलिएट प्रोग्राम है स्पॉन्सरशिप है यानी आपके पास क्या है डिफरेंट ई कॉमर्स प्रेजेंस के तरीके हैं उनके प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट हैं उनमें फिर एक्टिविटीज़ डिफरेंट है आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास क्या ई कॉमर्स प्रेजेंस है उसमें आपके प्लेटफॉर्म क्या क्या हैं और एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं फॉर टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम योर बिजनेस क्लियर आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तो इस लेक्चर का बल्कि कोर टॉपिक हो जाएगा टाइम है अभी हमारे पास देखो वेयर डेवलप अ टाइमलाइन माइलस्टोन ज़रूरी चीज़ है इम्पॉर्टेंट है हम लोग अक्सर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं देखो हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम लोगों को किसी का काम मिला हो ना कि जी हमें फ़ौरन करना है क्यों करना है क्योंकि हमें देखो हम फॉर एग्जाम्पल जॉब कर रहे हैं हमें टारगेट मिलता है हम दिन रात लगाते हैं टारगेट अचीव करने में कि हमें टाइम थोड़ा हमने काम कम्प्लीट करना है लेकिन ऑन द अदर हैंड जब अपना बिजनेस होता है अपना हम सुस्ती कर जाते हैं लेकिन जब टाइम लाइन बनाते हो तो ऑटोमेटिकली क्या है आप एक मोटिवेशन लेवल आता है एक एनर्जी लेवल आता है देखो वेयर वुड यू लाइक टू बी अ ईयर फ्रॉम नाउ इट इज़ गुड आइडिया फॉर यू टू हैव अ रफ आइडिया ऑफ द टाइम फ्रेम फॉर डेवलपिंग योर ई कॉमर्स प्रेजेंस व्हेन यू बिगिन यू शुड ब्रेक योर प्रोजेक्ट डाउन इनटू स्मॉल नंबर ऑफ फेजेस दैट कुड बी कंप्लीटेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम सिक्स फेज हैं यूजुअली प्लानिंग ई कॉमर्स प्रेजेंस है डेमो पर्सन मिशन स्टेटमेंट आपकी आ गई है वेबसाइट डेवलपमेंट है कि आपने कंटेंट लिया वेबसाइट डिज़ाइन करवाई होस्टिंग वगैरह ली वेबसाइट बना ली है वेबसाइट इम्प्लीमेंटेशन है कीवर्ड्स हैं मेटा टैग्स हैं फोकस ऑन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आइडेंटिफाई पोटेंशियल स्पॉन्सर फंक्शनल वेबसाइट हो गई है फिर आपने चौथे नंबर पर क्या सोशल मीडिया पर गिव आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट सोशल प्लेटफॉर्म्स एंड कॉन्टेंट ऑफ योर प्रोडक्ट और सोशल मीडिया प्लान
फिर सोशल मीडिया को इम्प्लीमेंटेशन करना है आपने, फिर मोबाइल की तरफ आना है कि मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह कोई बनानी है, क्या करना है। तो ये सारे बेसिकली डिफरेंट फेजेस होते हैं जो कि आपको देखने पड़ते हैं। अब देखो बजट कैसे बना सकते हो, डिज़ाइन पे 15% है, हॉस्टिंग, देखो हॉस्टिंग पे आप वेबसाइट का नाम पे डिपेंड करती हैं बेसिकली चीज़ें, लेकिन आप लोग 4-5 हज़ार रुपये से वेब्स मतलब मैक्सिमम कह लो, बहुत करो 10 हज़ार कर लो आप, लेकिन आप इवन 2-3 हज़ार से भी एक वेबसाइट की होस्टिंग डोमेन लेके स्टार्ट कर सकते हो। अब उसकी डिज़ाइनिंग पे आप आते हो तो आपको 5 हज़ार से भी शुरू हो जाता काम, 10 हज़ार पे भी, डिपेंड करता आप किस लेवल के बना रहे हो। कंटेंट डेवलपमेंट, अपना मार्केटिंग और कंटेंट डेवलपमेंट पे ज़्यादा बजट लगाओ, कंटेंट आपका इम्पोर्टेंट है, उसको फिर मार्केट करना है। फिर 5% हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट आती है, टेलीकम्युनिकेशन 5% की आती है। तो ये बेसिकली आपका बजट होता है इन सिंपल वर्ड्स। तो आपका ये हाउ मच विल इट कॉस्ट, जब वो करते हैं पाकिस्तानी सिनेरियो में, देखो मेरे अंदाजे में ना आपका मैक्सिमम सारी चीज़ें मिला के ना शायद 50 हज़ार रुपये में अच्छा सेटअप स्टार्ट हो सकता है। वो बात है जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, तो कॉस्ट उसकी आप डिपेंड करता है कितनी आप किस लेवल पे जाके स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। और इट्स नॉट अ बिग अमाउंट इफ़ यू कंपेयर विद द ट्रेडिशनल साइड ऑफ द बिजनेस, यू विल हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन डैट, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा बिल्डिंग इन ई कॉमर्स प्रेजेंस सिस्टम अप्रोच टॉपिक है, वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।